सीहोर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिवस का रखा गया। होटल क्रिसेंट में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद पंकजा मुंडे, बीडी शर्मा, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार कठोर कानून लाने वाली है, जिसमें कम से कम 10 वर्ष का कारावास प्रस्तावित किया गया है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि जिला अध्यक्ष का प्रशिक्षण हमेशा चलता रहता है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, वे ही तय करेंगे। प्रशिक्षण ये हर साल चलता रहता है भाई साहब, तो चुनाव अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण अपने स्तर पर। सर, एक स्वाभाविक सवाल जरूर उठता है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब तक? अरे बाबा, आप लोग इतनी बातचीत क्यों हो रहे भैया? जब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, नड्डा साहब निर्णय लेंगे, प्रधानमंत्री अमित शाह जी निर्णय लेंगे, तब होगा। प्रधानमंत्री पंकजा मुंडे सांसद ने बताया कि मेरा भोपाल मध्य प्रदेश में स्वागत किया गया, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मध्य प्रदेश के संगठन बहुत ही अच्छा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर मोदी जी ने देश के किसानों को संबोधित किया है। कल मोदी जी ने किसानों के खाते में 18,000 करोड़ राशि का एक क्लिक के माध्यम से खाते में डाली है। सीहोर से वृंदा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, अभी मेरा पहला कदम है मध्य प्रदेश में शहर प्रभारी के तौर पर। मैं एयरपोर्ट पे बहुत ही उम्दा स्वागत हुआ, बहुत प्यार मिला, और मध्य प्रदेश के साथ अभी बहुत बड़ा रिश्ता और बहुत लंबा रिश्ता रह गया ऐसा मुझे। दीदी, किसान आंदोलन क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में चल रहा है जो उसका आपने जवाब कल मोदी जी ने खुद दिया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और 18,000 करोड़ किसानों के अकाउंट में गए हैं। मुझे लगता है हम कहते ना, ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रा, ये मोदी जी की काम करेंगे। दीदी, ये प्रशिक्षण पर क्या लगता है कि भाजपा को और प्रदेशों में भी समर्थ करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश सीखने लायक बहुत कुछ है। मध्य प्रदेश का संगठन बहुत ही उमदा है, बहुत अच्छा है, और हम यहाँ सह प्रभारी आए हैं और हम यहाँ से बहुत सीख के भी जाएंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।